आपसे कुछ सवाल करना चाहता हूं, मुझे जवाब दीजिए, जवाब दीजिए। मुंबई में कोविड में भ्रष्टाचार हुआ कि नहीं हुआ? 1.5 लाख लोगों की मौत हुई कि नहीं हुई? पालघर में साधुओं की निर्मम हत्या हुई कि नहीं हुई? वसूली के आड़ आने वालों को मनसुख हिरेन बनाया कि नहीं बनाया? 100 करोड़ की वसूली के लिए गृहमंत्री जेल में गया कि नहीं गया? दाऊद का दोस्त जेल में होते हुए भी मंत्रिमंडल में है कि नहीं है? हमारे मजदूर भाइयों को नंगे पांव मुंबई छोड़नी पड़ी कि नहीं छोड़नी पड़ी? मुंबई में मेट्रो का, रास्तों का, सफाई का काम बंद है कि नहीं है? मुंबई के एसटीपी में 5,000 करोड़ की बढ़ोतरी हुई कि नहीं हुई? यशवंत यादव की संपत्ति 35 से 53 हुई कि नहीं हुई? अब मुझे बताइए, इतनी सारी चीजें होने के बाद इसमें से एक भी चीज के ऊपर हमारे मुख्यमंत्री बोले? हमारे मुख्यमंत्री प्रदेश के और देश के पहले मुख्यमंत्री होंगे कि 2.5 साल में इन महाशय ने एक भी भाषण प्रदेश के विकास पर नहीं दिया, प्रदेश के विषय पर नहीं दिया, प्रदेश के लोगों पर नहीं दिया।